गाइज वेलकम टू माई ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा मायावती आश्रम। ये जगह मैंने इसलिए चुनी क्योंकि अभी अभी मुझे मोहित भाई का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे मायावती साइड को घूमने की बात करी, तो मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो क्यों ना आश्रम को लेके एक वीडियो बना दी जाए। और अभी दिन के 2 बजे हुए हैं और मोहित भाई भी पहुँचने वाले होंगे, तो ऐसा करते हैं कि तब तक हम तैयार हो जाते हैं और अपना सारा सामान वगैरह रख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में ओमिक्रॉन वायरस के केस कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो मास्क भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी जाता हूं और तैयार होकर आता हूं, उसके बाद हम चलेंगे आश्रम की ओर और आपको दिखाएंगे आश्रम। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार दिया, आशा करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे। अब हम मायावती रोड में आ चुके हैं। यहाँ रास्ते में बहुत खूबसूरत बांज, पुरांस और देवदार के पेड़ हैं जो इस रास्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और प्रकृति की खूबसूरती से हमें रूबरू करवाते हैं। आप सोच सकते हैं जिस जगह का रास्ता इतना मनमोहक है वो जगह कितनी सुंदर होगी। यह जो रास्ता है बनीगाँव, बलाई और फुर्ती गाँव से जुड़ा हुआ है, तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं जो ये रास्ता ऊपर की ओर को कटा हुआ है, ये यहाँ से बनीगाँव और बलाई की ओर को जाता है। यहाँ बनीगाँव से आप लोहाघाट नगर की सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ से पूरा लोहाघाट नगर से लेके सुई गाँव तक का एरिया कवर होता है। एक बार आप यहाँ आइएगा ज़रूर और यहाँ से लोहाघाट की सुंदरता का लुत्फ उठाइएगा। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। आप देख सकते हैं इस बेहतरीन जगह को, यहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है और मोहित भाई वहाँ ऊपर जा चुके हैं। ये जगह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर को पीछे देख सकते हैं आप, जहाँ पे मोहित भाई खड़े हैं टैंक बना रखा है पानी के लिए, क्योंकि पहाड़ों में पानी की बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर टैंक बनाया गया है। और जगह जगह पर यहाँ पर को पानी स्टोर करने के लिए छोटे छोटे से डैम टाइप के बनाए गए हैं, जो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर को डैम बनाए गए हैं छोटे छोटे से, ये सिर्फ पानी रोक के स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ से हम थोड़ा ऊपर को जाके देखते हैं कि आगे और कितने बने हुए हैं, तो चल रहे हम ऊपर की ओर को। ये देखिए एक यहाँ पर को बनाया है, ऐसे यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है क्योंकि पहाड़ों में पानी की बहुत समस्याएं होती हैं और पहाड़ में जितना भी पानी के सोर्स हैं बारिश होने के बाद वो सारा का सारा पानी यहाँ से तराई में क्षेत्र की ओर को चले जाता है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत से डैम टाइप के बने पड़े हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से पानी यहाँ स्टोर किया जाता है, टुकड़े टुकड़ों में स्टोर किया जाता है यहाँ पानी। और आज मौसम खुला है बड़ी मुश्किल से यहाँ, इस वजह से हम यहाँ आए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। मोहित भाई हमारे नीचे रुक चुके हैं, आप देख सकते हैं रोड यहाँ से कितने दूरी पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पाइपलाइन भी हैं बहुत सारी, मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाऊंगा नीचे से रोड से। उन पाइपलाइनों से ही पानी सप्लाई किया जाता है यहाँ से, जैसा कि आप ये पीछे देख सकते हैं। ये देखिए एक पाइप तो यही है, बाकी आप ऊपर वहाँ पर भी देख सकते हैं कि पाइप है और पानी की सप्लाई यहीं से होती है लगभग लगभग। ये देखिए बहुत पुराना पाइप है यहाँ से। अब जो है यहाँ से फुर्ती गांव को ही सिर्फ पानी जाता है, तो चलिए अब चलते हैं हम आगे को।
अब हम पहुंच गए हैं मायावती के रास्ते पे बनी रेस्ट पॉइंट पे। इस जगह को रेस्ट पॉइंट कम और लवर्स पॉइंट ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे इसकी जो छत है, इसकी छत पे एक भी जगह ऐसी नहीं बची हुई है जहाँ पर किसी लड़का लड़की का नाम ना हो। और देखने में ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप एक बार यहाँ आइएगा ज़रूर और इस जगह का लुत्फ़ उठाइएगा। अब हम मायावती आश्रम के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इन बिल्डिंगों को, ये यहाँ का गेस्ट हाउस है। यहाँ चिकित्सा शिविर में आए बाहर के डॉक्टर, मरीज और मेडिटेशन करने आए लोग रहा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मायावती आश्रम पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस जगह के बारे में बता देता हूँ। ये जो आश्रम है स्वामी विवेकानंद जी के शिष्यों ने बनाया था, क्योंकि स्वामी जी की इच्छा थी कि हमारे देश में पहाड़ों के बीच शांत वातावरण में एक ऐसा आश्रम होना चाहिए। उनकी इस बात से प्रेरित होकर उनके दो सेवियर शिष्य भारत आए और उन्होंने बहुत सारी जगहों में खोज करी, उसके बाद इस जगह को चुना और 1899 में इस आश्रम की स्थापना करी। स्वामी जी सनातन धर्म को मानते थे, इसलिए यहाँ कोई भी भगवान का मंदिर और मूर्ति नहीं है। फर्स्ट टाइम स्वामी जी यहाँ 1901 में मिस्टर सेवियर की डेथ में आए थे और यहाँ की खूबसूरती और शांत वातावरण से प्रभावित होकर यहाँ रुके और करीब 15 दिन तक यहाँ रुके, जिस वजह से यह जगह रामकृष्ण बेलूर मठ के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन चुकी है। चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ की सुंदरता और यहाँ की जगह। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे पर ये जो बिल्डिंग है, ये यहाँ का चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है और साल भर में अनेकों शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें बाहर से विभिन्न प्रकार के डॉक्टर अनेकों बीमारियों का इलाज यहाँ पे गरीबों का करते हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी है जिसमें आप स्वामी जी से रिलेटेड किताबें पढ़ और खरीद सकते हैं। यहाँ प्रबुद्ध भारत मैगजीन की एडिटिंग की जाती है और एक सुंदर बगीचा है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं जो आश्रम की सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ते को, ये यहाँ से सीधे चंपावत और धर्मगढ़ की ओर को जाता है। यहाँ पे इस रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से आप हिमालय की अनेक चोटियों को देख सकते हैं। अब हम आश्रम के अंदर आ गए हैं और सामने में जो बिल्डिंग है, ये प्रबुद्ध भारत मैगजीन का एडिटिंग कार्यालय है। यहीं से प्रबुद्ध भारत का संपादकीय कार्य होता है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की लाइब्रेरी। इनके अंदर कैमरा मोबाइल ले जाने और वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से ही आश्रम दिखाऊँगा। लाइब्रेरी के जस्ट सामने पर ही अद्वैत आश्रम मायावती है। ठंड का समय होने के कारण आप यहाँ के बगीचे का सुंदर नज़ारा नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी मायावती आश्रम बेहद खूबसूरत लग रहा है। अब हम चलते हैं आश्रम के पीछे और आपको दिखाएंगे यहाँ से दिखने वाले सुंदर पहाड़ों को। आप देख सकते हैं यहाँ से ये नज़ारा बेहद सुंदर लग रहा है। अब हम चलते हैं बाहर की ओर और आप देख सकते हैं आश्रम से लाइब्रेरी कितनी सुंदर दिख रही है। एक ये आप देख सकते हैं ये रोड, ये ऊपर की ओर को गई है। देखते हैं यहाँ क्या है और आपको बताते हैं। तो हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर क्या है। जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पे ऊपर एक डेयरी है और उसके बगल पे एक आर्टिफिशियल लेक है। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं डेयरी और आर्टिफिशियल लेक और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डेयरी है और स्वरूपानंद ध्यान केंद्र। आप ये देख सकते हैं जो रास्ता ये नीचे को कटा हुआ है, ये स्वामी स्वरूपानंद ध्यान केंद्र की ओर को जाता है। और ये जो जंगल है,
ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। यहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड आता है, उसमें एक कुटिया है जिसमें स्वामी जी प्रवचन दिया करते हैं। आप देख सकते हैं जंगल कितना घना है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर और आपको दिखाते हैं डेयरी। आप देख सकते हैं इन गायों को, जिनमें बहुत सी गाय डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड की हैं। कहा जाता है कि एक टाइम में यहाँ नील गाय भी हुआ करती थी। यहाँ इन गायों का दूध आश्रम में आए संत महात्माओं और हॉस्पिटल में आए डॉक्टर्स और मरीजों के पीने में यूज किया जाता है, और इनकी देखभाल के लिए अलग से लोग भी रखे गए हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे पर एक बहुत पुरानी एक आर्टिफिशियल लेक है जो बहुत खूबसूरत दिखती है। तो चलिए चलते हैं। कहा जाता है कि ये जगह स्वामी जी के प्रिय स्थानों में से एक थी। स्वामी जी अक्सर यहाँ पे टाइम बिताने आया करते थे। आप देख सकते हैं ये लेक कितनी सुंदर है। तो अब हम चलते हैं वापस। यहाँ पर कुछ खेत हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ और सब्जियाँ उगाई जाती हैं, और बहुत से पॉली हाउस भी बने हुए हैं जो खेती को बढ़ावा देते हैं। यहाँ लोग मेडिटेशन करने आते हैं क्योंकि ये जगह बहुत शांत है। तो यही कुछ था यहाँ के बारे में जो मुझे पता था। अब चलते हैं हम वापस अपने घर की ओर और मिलते हैं हम आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। टाटा, बाय बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।